कलकल बहती ये जलधारा किशनगंज के छलका बांध का नजारा है, जो बरसात का सीजन आते ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लिहाजा यहाँ पर रोजाना दूर दराज से लोग स्नान करने आते हैं, जो जमकर पुल पर मस्ती करते हैं। इस लिहाज से बहादुरगंज के बांसबाड़ी छलका पुल हॉटस्पॉट बन चुका है और धीरे धीरे ग्लोबल मैप पर छा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे कोई टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा हासिल नहीं है। जैसे जैसे मॉनसून बरसता है, वैसे वैसे छलका छलकने लगता है। जलधारा की आवाज कानों में रस घोलने लगती है, फिजा बिल्कुल संगीतमय लगने लगती है, जिसकी वजह से दूर दराज के लोगों को ये इलाका अपनी ओर खींचता है, जिस कारण इलाका गुलजार होने लगता है। यहाँ की सुहानी सुबह और निराली शाम लोगों को आकर्षित करती है। वहीं चिलचिलाती धूप और खेतों में हरियाली लोगों के मन में जादू जगाती है। बांसबाड़ी का ये आबशार लोगों को किसी झरना या फिर हिल स्टेशन जैसी फीलिंग्स कराती है। यही वजह है कि सीजन में लोग दार्जिलिंग या सिक्किम जाने के बजाय इस ओर रुख करते हैं। यहाँ पर मौसम के मिजाज के हिसाब से जलधारा बहती है, कभी कभी वाटर लेवल हाई होने से नहाना आसान नहीं होता है, यहाँ पर पहुँचना बेहद आसान है। आप किसी तरह से बहादुरगंज और बिशनपुर पहुँच जाएं, वहाँ से बांसबाड़ी का फासला चंद किलोमीटर का है। हम लोग तो टाइम निकाल करके संडे टू संडे आते हैं। हाँ। हम लोग तो दुआ करते हैं कि घर में हर महीना बरसात का महीना हो, यहाँ पे आने के लिए तरस पे भैया। हाँ, यहाँ पर आने वालों को चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आप नशा पान नहीं कर सकते हैं, पॉलिथीन का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा महिलाओं और ग्रामीणों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जो इन बातों का ख्याल रखें, छलका पुल उनके लिए किसी डल लेक से कम नहीं है। यहाँ रहते नहीं, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो नहाने खास मेरा मकसद जो होता है, यहाँ की जो चारों तरफ जो खुशहाली नजर आती है उसको लेने के लिए आते हैं। जो प्रभाव का मौसम होता है चारों तरफ आप देख सकते हैं, उसी की वजह से आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। सरकार से क्या मांग करें और प्रशासन से? देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार से हमारी ये मांग है कि जगह को टूरिस्ट स्थल या पर्यटक स्थल को बनाया जाए इसको, और हमारे प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमें यहाँ सुरक्षा कायम की जाए। हमारा